अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 5। हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। सो इससे पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम स्टडी किया, अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम स्टडी करेंगे। बोर ने एटम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। बोर्स ने क्या कहा था, इसने क्योंकि हमने इससे पहले स्टडी किया है प्लैंक्स थ्योरी, तो इसने प्लैंक्स थ्योरी का यूज़ किया था और इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी एटम के बारे में। अब आपने ये नहीं कंसिडर करना कि किसी भी साइंटिस्ट ने एटम के बारे में मतलब एक फुल फ्लैज मॉडल क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये सारे मॉडल्स जो हैं इन्होंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी और आज जो हमारे पास एटम की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इन सब मॉडल्स को कंबाइन करके है। यानी कि जो डिस्कवरीज हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, फिर न्यूक्लियस का मॉडल था, फिर एटम का मॉडल आया, तो ये सारे मॉडल्स जो हैं मिल के ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो आज हमारे पास एटॉमिक इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। कोई भी मॉडल हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सो बोर मॉडल ऑफ एटम में बोर ने क्या किया था, इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे न्यूक्लियस है, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। सो बेसिकली इसने ये कहा था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं इनकी हर एक की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। ये हो गए हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये लेवल जो है इसकी फिक्स होगी एनर्जी, जो कि मैच नहीं करेगी इसके साथ, इसकी अपनी एनर्जी की वैल्यू होगी। सो जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा किसी एक ऑर्बिट में तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी वही होगी जो ऑर्बिट की एनर्जी होगी। एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात उसने कही थी, अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहेगा, चाहे उसकी पोजीशन यहाँ पे हो, इधर हो, इधर हो, कहीं पे भी विद इन ऑर्बिट जो पोजीशन है वो चेंज होने से इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। मगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन, अब एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि जो ऑर्बिट्स हैं, जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाता है इसकी एनर्जी जो है इंक्रीज होती जाती है। अब जो इसकी एनर्जी है वो लो होगी, इसकी होगी हाई, जो आउटर मोस्ट है उसकी हाई होगी और इनर वाले की लो होगी, इससे जो बाहर होगा उसकी इससे ज़्यादा हाई होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, यहाँ से अगर ये लो एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा तो इसको अपनी एनर्जी इसके बराबर करने के लिए कुछ एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करके लोअर ऑर्बिट में जाता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट में जाए तो इसके साथ क्या होगा कि अब इसकी एनर्जी कम है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस ऑर्बिट में जाए, तो इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी इस ऑर्बिट में जाने के लिए। तो ये दो फिनोमेना हो सकते हैं अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो है मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हाई टू लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा ई, हायर एनर्जी जो है ऑर्बिटल की ऑर्बिट की माइनस लोअर एनर्जी, दैट इज़ इक्वल टू, क्योंकि क्वांटाइज हैं एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स जो हैं सारे के सारे क्वांटाइज हैं, फिक्स एनर्जी है, तो वो इसकी इक्वल हो जाएगी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के और फ्रीक्वेंसी के। उसके बाद हर एक जो ऑर्बिट है उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका भी वही एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि दिया जाता है फार्मूला से जिसको कहते हैं एम वी आर इज़ इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। फर्दर लेक्चर्स में हम इस फार्मूला की डिटेल्स देखेंगे, इसको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, इसमें एम वी आर है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए भी इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो सिर्फ
एन होगा। एन क्या होता है? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 1 होगा फॉर द फर्स्ट शेल एंड एन इज इक्वल टू 2 होगा फॉर द सेकेंड ऑर्बिट और शेल, हम आप इसको शेल भी कह सकते हैं। सो ऑर्बिट चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम बेस करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ एन, बाकी फार्मूला सेम रहेगा सब के सब ऑर्बिट्स के लिए। सो अगर ऑर्बिट 2 हो तो क्या हो जाएगा? एम वी आर इज इक्वल टू 2h ओवर 2π। इसी तरह से यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा जब ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे। तो बोर ने यही मॉडल दिया था कि क्वांटाइज्ड फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उनकी एनर्जी सेम रहती है जब तक वो सेम ऑर्बिट में रहते हैं, पर एनर्जी चेंज होती है, लूज़ या गेन करते हैं जब वो ऑर्बिट्स चेंज करते हैं। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स रहता है जब वो एक ऑर्बिट में होते हैं, और जब ऑर्बिट चेंज करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पर आप नए हैं, चैनल ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप तक पहुँची है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें और बर वक्त पहुँचें। इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।